कौन है राधा, रुक्मिणी कौन है, लक्ष्मी का स्वरूप कौन है, राधा या रुक्मिणी, ये सब जानने के लिए आपको चलना होगा अतीत में। जब शक्ति के दो भाग हुए, पुरुष और प्रकृति, तब मूल प्रकृति के दक्षिण भाग से देवी राधा और वाम भाग से देवी लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। देवी राधा ने पुरुष के दो भुजाओं वाले स्वरूप की कामना की और देवी लक्ष्मी ने पुरुष के चतुर्भुज स्वरूप की कामना की, अतः पुरुष ने भी स्वयं के दो अंश कर लिए। पुरुष के दक्षिण भाग से दो भुजाओं वाले कृष्ण प्रकट हुए और वाम भाग से चार भुजाओं वाले विष्णु प्रकट हुए। तत्पश्चात विष्णु ने लक्ष्मी को अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार कर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और कृष्ण राधा के संग गोलोक चला गया। द्वापर युग में जब नारायण कृष्ण का स्वरूप लेकर जन्म लेते हैं, तब उनके साथ देवी लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में और देवी राधा रानी राधा के रूप में जन्म लेती है।